आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आइडिया वोडाफोन जियो और बीएसएनएल के जो डेटा प्लान है जो 300 रुपये से भी कम प्लान है, यानी कि आप सस्ते डेटा प्लान ज़्यादा महंगा का रिचार्ज नहीं करवाना चाहते, यानी कि सस्ते में ही निपटना चाहते हैं हर महीने, तो आपको ऐसे डेटा प्लान बताऊँगा कि जो आइडिया जियो और वोडाफोन से या बीएसएनएल कोई सा भी सिम यूज़ करते हैं, क्योंकि जियो ने तो बाकी कंपनियाँ रिलायंस और बाकी यूनिनॉर ऐसी सारी कंपनियाँ तो लगभग बंदी हो गई हैं, इतना कंपटीशन हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप जो है 300 से कम का डेटा प्लान जिसमें आपको 1 से 2 GB डेटा जो है मिलेगा, और किसी किसी पैक में तो आपको 3 GB डेटा भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बन रहा है सब्सक्राइब, लाल रंग के सब्सक्राइब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये देख रहे हैं वीडियो में यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन होगा, अगर लाल रंग में दिख रहा है तो इसको कर दीजिए आप काला, ठीक है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं आइडिया का रिचार्ज प्लान। जो आइडिया का रिचार्ज प्लान है 300, वो भी अभी अभी लॉन्च हुआ, जैसे जियो IPL पैक लॉन्च हुआ है वैसे ही आइडिया का रिचार्ज प्लान लॉन्च हुआ है 300 रुपये के नीचे। और जो प्लान है उसमें आपको भरपूर डेटा मिलेगा, ये नहीं कि आपको सिर्फ जियो डेटा दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन अगर कंपनियों को रहना है तो सबको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। तो बात करें आइडिया का, तो आइडिया का सबसे पहला पैक आता है 199 वाला रिचार्ज। 199 के रिचार्ज में आपको 1.4 GB डेटा जो है रोज दिया जाएगा और 28 दिनों तक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 199 के रिचार्ज पर 1.4 GB डेटा पर डे दिया जाएगा रोज, और 28 दिन इसकी वैलिडिटी होगी। दूसरा रिचार्ज जो है इनका है 179, लगभग 180 रुपये का, इसमें सिर्फ आपको 1 GB डेटा पर डे ही मिलेगा। इन सभी में आपको 100 SMS रोज मिलेगा और 250 मिनट तक आप जो है 250 से 300 मिनट तक रोज बात कर सकते हैं, और हर हफ्ते जो है आपको 1000 मिनट ही बात करने को मिलेगा। तो अब चलते हैं वोडाफोन, वोडाफोन कहाँ कंपटीशन में पीछे रहने वाला है। अगर आप वोडाफोन की सिम यूज़ करते हैं और वोडाफोन का नेट चलाते हैं तो उसके भी दो प्लान हैं 300 से नीचे हैं, वो 300 से नीचे जो प्लान है उसमें भी आप जो है IPL का जो है वोडाफोन TV डाउनलोड करके IPL का मज़ा ले सकते हैं और वोडाफोन का नेट भी चला सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं पहला प्लान, इसमें देखिए वोडाफोन हैज़ ओनली 1 रिचार्ज प्लान, और ये है 199 का। 199 के वोडाफोन रिचार्ज आप पर में आपको मिलेगा 1.4 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा 1.4 GB डेटा पर डे, और ये वैलिड होगा टोटल 28 दिनों तक। इसमें भी आपको 100 SMS रोज, यानी कि 100 SMS रोज कर सकते हैं, यानी कि 2800 SMS 28 दिनों तक, और साथ में रोज़ जो है 250 से 300 मिनट तक बात कॉल कर सकते हैं। और अब अगर बात करें कि एयरटेल का 300 से नीचे रिचार्ज ऑफर जो है, जैसे कि जियो ने लॉन्च किया था IPL पैक, वैसे एयरटेल का भी 300 से नीचे का एक IPL ऑफर लॉन्च हुआ है, जिसमें आप जो है IPL का अपने मोबाइल पर अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो मज़ा ले सकते हैं। प्लान जो है वो 249 रुपये का है, जिसमें आपको 2 GB डेटा रोज़ मिलेगा पूरे 28 दिनों तक, और 199 वाला जो प्लान है उसमें सिर्फ आपको 1.5 GB तक, लगभग 1.4 GB डेटा मिलेगा, और ये भी 28 दिन तक वैलिड होगा। और बात करें कि आप कॉल तो इसमें आप 250 से 300 मिनट जो बात कर सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते जो होगा 1000 मिनट ही बात कर सकते हैं। और SMS की बात करें तो SMS जो है मिलेगा आपको 100 SMS रोज, यानी कि 100 SMS, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रूल है 100 SMS ही इससे भेज सकते हैं। SMS जो आजकल कोई भेजता नहीं, WhatsApp, Facebook ये सब यूज़ करते हैं। तो एयरटेल का जो दो ही प्लान लॉन्च हुए हैं नए, और जो 300 से कम है वो है 249 वाला, और एक है 199 वाला। तो आप बताइए कौन सा प्लान ले रहे हैं एयरटेल में, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब सबसे बात करते हैं सबसे अलग बात करूं जियो के प्लान जो 300 से कम है, यानी कि ऐसे प्लान जो जियो के 300 रुपये से भी कम है। तो जियो के बहुत सारे प्लान हैं जो 300 रुपये से कम है। डेटा बूस्टर प्लान है जो 11 रुपये से स्टार्ट है, 51 रुपये, 91 रुपये तक, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो IPL पैक जो है, जियो धन धनाधन पैक भी कहा गया है इसको, IPL पैक भी कहा गया है। तो इसमें आपको अगर आप 251 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, और ये पैक जो होगा टोटल 51 दिन तक वैलिड होगा, और रिचार्ज जो है अगर आपका पहले से रिचार्ज चल रहा है तब भी ये करवा सकते हैं, तब भी आपको एक्स्ट्रा 2 GB डेटा मिलेगा, क्योंकि ये अलग से क्रिकेट पैक लॉन्च हुआ है। अगर आप अपने MyJio एप्लीकेशन में जाकर खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा है क्रिकेट पैक है ये, जो मतलब ये IPL पैक है और टोटल
51 दिन तक वैलिड होगा। और एक और रिचार्ज प्लान है जो है 299 रुपये का, 299 रुपये में आपको 3 GB डेटा रोज़ मिलेगा और ये भी 28 दिन तक वैलिड होगा। यानी कि अगर 28 दिन 3 GB रोज़ डेटा मिलेगा तो टोटल मतलब आपको 84 GB। तो ये उन लोगों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज करते हैं या IPL या कोई भी चीज़ जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती होगा यह पैक। और बात करें कॉल की SMS की, तो इसमें भी आप 100 SMS रोज़ भेज सकते हैं। कॉल का कोई इसमें वो नहीं है कि आप 250 मिनट या 300 मिनट तक ही रोज़ बात कर सकते हैं, अनलिमिटेड बात हो सकती है इसमें, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, ये इसकी एक शर्त। जियो का एक और पैक है जो 199 रुपये का है, 199 यानी कि 200 से भी कम है ये पैक, यानी कि आप सस्ते में निपटना चाहते हैं और ज़्यादा डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो आपको रिचार्ज कराना होगा 199 रुपये में। 199 रुपये में आपको 2 GB रोज़ डेली डेटा मिलेगा और ये भी 28 दिन तक ही वैलिड होगा। तो वैसे अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो आपको अगर नया रिचार्ज कराना है तो 399 वाला, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं तो ये IPL सीज़न चल रहा है या 2 GB से ज़्यादा, तब तो ये करा सकते हैं 251 या 199 या 299 वाला, नहीं तो 399 वाला जो है 84 दिनों तक वैलिड होगा। जियो का सबसे गोल्डन पैक कह सकते हैं उसको। बात करते हैं जो तीसरा चौथा ऑपरेटर है BSNL, जिसके रिचार्ज प्लान भी 300 से कम रुपए हैं। कुछ लोग जो है BSNL भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ BSNL का डेटा पैक जो 300 रुपए से कम है। लेकिन आपको जो ये 300 रुपए का जो पैक कम है 248 वाला जो मैं बताऊँगा अभी, वो आप 30 अप्रैल से पहले ही ले सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होगा पूरे 51 दिनों तक। तो ये जो पैक है IPL पैक है 2018 का, और ये प्राइस इसका रखा गया है 248 रुपये, जिसमें आपको 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलेगा और पूरे के पूरे 51 दिन तक वैलिड होगा। और ये आपको ऑफ़र लेना होगा 30 अप्रैल से पहले। अगर 30 अप्रैल के बाद यह ऑफ़र नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने रिचार्ज करवा लिया है तो पूरे के पूरे 51 दिनों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। भले ही आप जो है 29 अप्रैल को रिचार्ज करवाएं, तब भी आप जो है अगले 51 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर कोई भी रिचार्ज प्लान या रिचार्ज करते वक्त आपको कोई प्लान समझ में नहीं आता है तो आप जो है नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं जल्दी ही जो है व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने वाला हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और दोस्तों आपके वजह से 70,000 जो है लगभग हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी आप 1 लाख जो है सब्सक्राइबर कर दें, ताकि हम आप लोगों को